नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज आप देखेंगे स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड्स के सही प्रोनंसिएशन, ग्रामर। यहाँ पे ग्रामर में आप सभी को टेंसेस आपको हर बार देखने को मिलता है कि कौन सा टेंस है, वर्ब्स के कौन से फॉर्म्स हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्टिव वर्ड्स जो हमेशा बताता हूँ, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब्स का भी यूज़ जहाँ जहाँ पे होगा वो भी आपको बताते चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है व्हाट नेक्स्ट। इसका मतलब होता है आगे क्या, अगला क्या। जब कभी कोई स्टोरी सुनाता है, पूछते हैं ना फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बिल्कुल इसी टाइप की स्टोरी है। अकबर बीरबल की स्टोरी है जो कि इंटरेस्टिंग रहती है। आप सभी देखिए और आप सभी कॉपी पेन हमेशा लेके चलें कि जो वर्ड आपको हार्ड लगे, क्योंकि भाई हो सकता है जो आपको वर्ड हार्ड लग रहा है किसी और के लिए ईजी हो, किसी और के लिए जो ईजी हो आपके लिए हार्ड हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप लोग अपने वर्ड्स को लिखें, सही प्रोनंसिएशन अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इसका है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, इतना ठीक है। वन डे अकबर फेल इल। वन डे यानी एक दिन, अकबर फेल इल यानी होता है बीमार पड़ना, तो बीमार पड़ गया, तो फेल इल का यूज किया गया है। तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, ठीक है। ही वॉज अनेबल टू स्लीप अनटिल द लेट नाइट आवर्स। ही वॉज अनेबल, अनेबल यानी असमर्थ था, नहीं कर पा रहा था, क्या नहीं कर पा, टू स्लीप यानी सोने में असमर्थ था, तो सीधी सी बात है सो नहीं पा रहा था। अनटिल यानी जब टाइम बता तब तक, तो हम अनटिल का यूज करते हैं। द लेट नाइट आवर्स मतलब रात में घंटों तक वो सो नहीं पा रहा था। ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिंस, ऑल काइंड्स यानी सभी प्रकार के, मेडिसिंस यानी होता है दवाइयां, एंड रेमेडीज, रेमेडीज यानी उपचार, उसे हम रेमेडीज कहते हैं। वर ट्राइड ऑन हिम, वर यानी थे, ट्राइड यानी कोशिश, ऑन हर, ऑन हिम यानी उस पर आजमाया गया था, ट्राई करना आजमाना, तो बहुत सारी दवाइयां उपचार जो थे, है ना, घरेलू उपचार, वो सब आजमाया गया उसके ऊपर। द फिजिशियंस सजेस्टेड दैट अकबर शुड लिसन टू अ स्टोरी एवरी नाइट। द फिजिशियंस है ना, बहुत फिजिशियन मतलब एक्चुअल में फिजिशियंस होता है, फिजिशियंस यानी क्या होता है, चिकित्सक, जैसे पहले हम लोग डॉक्टर जैसे बोल देते हैं ना, वैसे ही चिकित्सक होते हैं, तो जैसे नीम हकीम जो बोलते थे ना, वो सब होते हैं। सजेस्टेड इसका सेकेंड फॉर्म है सजेस्ट, यानी होता है किसी को हम सलाह देते हैं, सजेस्ट करना, ठीक है। तो उन्होंने सलाह दिया दैट यानी कि अकबर शुड, अकबर को शुड यानी चाहिए, शुड का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि भाई आपको कुछ काम करना चाहिए, तो हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे आपको रोज़ दूध पीना चाहिए, ठीक है, तो यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली, तो वहाँ पे शुड का यूज़ किया जाता है। नहीं पीना चाहिए तो शुड नॉट का यूज़ करेंगे, तो शुड एडवाइस देते तब फिर। तो उन्होंने सलाह दी कि अकबर को क्या करना चाहिए, लिसन, लिसन यानी सुनना। तो यहाँ पे आप देखिए लिसन में टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी यहाँ पे साइलेंट लेटर है, तो लिसन, लिस्टन नहीं होगा, कभी भी ध्यान देंगे। अकबर शुड लिसन टू अ स्टोरी यानी एक कहानी सुनना चाहिए, एवरी डे एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, यानी रोज रात को एक कहानी सुननी चाहिए, सुनना चाहिए उसे अकबर को। दिस माइट सूथ हिम, दिस माइट, माइट यानी जैसे हम बोलते हैं ना हो सकता है, तो माइट का यूज करते हैं। इससे क्या, सूथ यानी होता है आराम मिलना, तो इससे हिम यानी उसे, उसे आराम मिल सकता है। एंड हेल्प हिम टू स्लीप, और हेल्प यानी मदद हो सकती है, हिम यानी उसे टू स्लीप, और उसे सोने में मदद कर सकती है एक कहानी, यदि उसे रोज कहानी सुनाया जाए तो इस प्रकार से चिकित्सक ने कहा कि एक कहानी सुनाइए, वो ठीक हो जाएंगे, उनको नींद आने लगेगी। अ कोर्टियर वॉज सेंट टू द किंग एवरी नाइट। अ कोर्टियर, कोर्टियर क्या होता है, जैसे कोर्ट यानी दरबार, तो वैसे ही कोर्टियर बना हुआ, कोर्टियर यानी दरबारी, एक दरबारी। वॉज सेंट यानी भेजा जाता था, सेंट क्या है, सेंड का सेकंड फॉर्म, एस ई एन डी, सेंड फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी का सेकंड फॉर्म है, डी की जगह टी लगा दीजिए, सेंड। तो उसे क्या करते थे, भेजते थे टू द किंग, राजा के पास, एवरी नाइट प्रत्येक रात, हर रात को, टू नरेट, नरेट करना यानी सुनाना, बोलना, नरेट करना, अ स्टोरी टू हिम, एक कहानी उसे सुनाने के लिए रोज एक दरबारी को भेजते थे। अकबर स्टिल कुड नॉट स्लीप, अकबर स्टिल यानी अभी तक, उसे स्टिल यानी तक बोलते हैं, ठीक है। कुड नॉट स्लीप यानी सो नहीं सका, तो कुड क्या है, जो हम बहुत से लोग मॉडल्स बोलते हैं, एक्चुअली मॉडल्स होता है, कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, तो कैन यानी सकता है, कुड यानी सका, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो अकबर, अकबर क्या हुआ, अभी तक सो नहीं सका, नहीं सो पाया। आफ्टर ईच स्टोरी, आफ्टर यानी के बाद, ईच स्टोरी यानी प्रत्येक कहानी के बाद, एंड और वुड आस्क, वुड आस्क यानी वुड का यूज बहुत सारा यूज होता है, एक वुड का यूज आप सभी जानते हैं, विल के जगह वुड का यूज किया जाता है, जब पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर की बात कहे तो वुड का यूज किया जाता है।
और वुड का यूज क्या होता है, जब पास्ट की अपने कुछ है ना, जैसे आप बताते हैं कि मैं करता था, जाता था, दौड़ता था, भागता था, वहां पर यूज टू के जैसी वुड का यूज किया जाता है, आस्क यानी पूछना। तो हर स्टोरी में वो पूछता था, क्या पूछता था, आफ्टर दिस, इसके बाद व्हाट, यानी इसके बाद क्या, यानी अकबर क्या किया करता था हर कहानी के बाद, हर बार पूछता था इसके बाद क्या, तो भाई इसके बाद और स्टोरी सुनानी पड़ती थी। इन रिटर्न, इन रिटर्न यानी बदले में, द कोर्टियर्स हैड टू कीप नरेटिंग वन स्टोरी आफ्टर अनदर। द कोर्टियर यानी दरबारी को हैड टू, यहाँ पे केवल हैड का यूज नहीं किया, हैड टू एक साथ है, हैड टू का यूज हम कब करते हैं, जब हम वहां पे करना पड़ता था या मुझे करना पड़ा, तो वहां पे हैड टू का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं, करना पड़ता है या करना है, और फ्यूचर में यही विल हैव टू हो जाता है। तो विल हैज टू कभी नहीं होगा, विल हैव टू होता है, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा मुझे खेलना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा। और यदि मैं बोलूंगा कि मुझे खेलना पड़ा, तो आई हैड टू प्ले। इस प्रकार से विल हैव टू, हैज टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हैड टू यानी करना पड़ा, तो उसे क्या करना पड़ता था, कीप नरेटिंग यानी उसे सुनाना पड़ते रहना पड़ता। तो कीप का यूज हम पड़ता था, यानी कंटिन्यूअस में हम कीप का यूज करते हैं, ठीक है, कीप यानी वैसे तो रखना होता है। तो उसे सुनाते रहना पड़ता था वन स्टोरी, एक कहानी आफ्टर अनदर, यानी दूसरे के बाद एक और कहानी, क्योंकि हर कहानी के बाद फिर वो पूछता था इसके बाद क्या, तो अगला कहानी फिर सुनाना पड़ता था। तो भाई कितना कहानी सुनाएगा। टू द किंग, राजा को, टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया, किसे, किसके पास, तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एवरीबडी गॉट टायर्ड ऑफ दिस रूटीन, एवरीबडी ने, हर कोई, गॉट टायर्ड यानी थक चुका था, थक गए थे, ऑफ दिस रूटीन यानी इस रूटीन, यानी क्या होता है, जो दिनचर्या था, जो उसका जो काम था, उसे रूटीन कहते हैं। वो यही यही काम बार बार करता था, बार बार यही चीज पूछता था, दोहराता था, तो इसे रूटीन कहते हैं, जो काम हमेशा करते हैं। एंड डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, डिड नॉट नो यानी नहीं जानते थे, ये प्रेजेंस सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड लगाते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं। हाउ टू हैंडल, हैंडल यानी क्या होता है, किसी चीज को हैंडल करना, संभाल पाना, सिचुएशन यानी स्थिति, परिस्थिति को सिचुएशन कहते हैं। तो भाई हालात को किस प्रकार से संभाल पाए, वो लोग नहीं समझ पाते थे, नहीं जानते थे। दे अप्रोच बीरबल, दे यानी वे, अप्रोच यानी क्या होता है, पहुंचे, है ना, बीरबल, बीरबल के पास पहुंचे। सो इसलिए दैट नाइट, उस रात, भाई दैट यानी वह होता है, जो होता है, बहुत सारा मकी होता है, बहुत सारा दैट का मीनिंग होता है, यहाँ पे दैट यानी उस रात, है ना, दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट टू द किंग, बीरबल वेंट यानी गया, वेंट का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, यदि ईट होता तो एट का यूज करते, गो होता तो वेंट का यूज किया यहाँ पे, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, बीरबल वेंट, बीरबल गया, यही पे यदि बीरबल जाता है तो बीरबल गोज हो जाता है, क्योंकि एस आई एस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ही सी इट थर्ड पर्सन में एस आई एस लगता है। तो बीरबल वेंट टू द किंग, बीरबल राजा के पास गया, टू नरेट अ स्टोरी, एक कहानी सुनाने के लिए। When the story ended, जब कहानी ended क्या हुआ, समाप्त हुई, खत्म हुई, तो end का second हुआ ended। अकबर asked after this, तो अकबर ने पूछा, after this what next, इसके बाद क्या हुआ, फिर अब बीरबल गया तो बीरबल से भी वही पूछा, कहानी जैसे ही खत्म हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, तो भाई सीधी सी बात है, फिर कहानी सुनाना पड़ेगा। लेकिन बीरबल ने क्या किया, देखिए, बीरबल thought for a while, तो बीरबल ने थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है, तो बीरबल ने सोचा, फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए, तो फॉर अ वाइल का यूज होता है कुछ समय के लिए, तो बीरबल ने कुछ समय सोचा। एंड स्टार्टेड टेलिंग अनदर स्टोरी, और स्टार्टेड शुरू किया, टेलिंग यानी कहना बताना, अनदर स्टोरी यानी अगला, अन्य कहानी, दूसरी कहानी सुनाना शुरू किया। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब होता है महाराज को, हम योर मेजेस्टी कहते हैं, महाराज। अ मैन यूज टू लिव इन अ हट इन अ जंगल, अ मैन, एक आदमी, यूज टू, मैंने बताया था यूज टू का यूज कब करते हैं, रहा करता था, खाया करता था, जाता था, खेलता था, वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। तो एक आदमी रहता था इन अ हट, हट यानी क्या होती है, झोपड़ी को हट कहा जाता है, इन अ जंगल, जंगल में, एक झोपड़ी में रहता था। ही वॉज नॉट स्कैर्ड ऑफ लिविंग अलोन इन द फॉरेस्ट, ही वॉज नॉट स्कैर्ड, वो नॉट स्कैर्ड मतलब डरता नहीं था, तो स्कैर्ड यानी तो भयभीत होना, डरना। ऑफ लिविंग यानी रहने में, अलोन यानी अकेला, है ना, तो अकेले रहने में नहीं डरता था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एज, एज यानी क्योंकि, एज यानी जैसे, क्योंकि, जब, बहुत सारा मतलब होता है। क्योंकि ही वॉज एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो क्या था, एबल था, एबल यानी होता है सक्षम होना, योग्य होना, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने में, हिमसेल्फ यानी खुद की, वो खुद की रक्षा करने में समर्थ था।
फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, फ्रॉम यानी से, किससे, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से। तो पूरा सेंटेंस को आप यदि देखते हैं तो क्या हो रहा है कि वो कभी भी अकेले रहने में जंगल में नहीं डरता था क्योंकि जंगली जानवरों से उसे अपनी रक्षा करना आता था। सो इसलिए ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, विथ यानी से, हिज यानी अपने, हिज यानी उसके भी यूज होता है लेकिन हम अपने के लिए भी हिज का यूज किया जाता है, हिज लाइफ, अपने लाइफ से, अपने जीवन से बहुत खुश था। हिज पीस वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड स्टोरिंग ग्रेन्स इन हिज हर्ट। हिज पीस, ये पीस यानी होती है उसकी शांति, वो पीस यानी टुकड़ा अलग होता है, ये पीस यानी शांति, तो उसकी शांति वॉज डिस्टर्ब, क्या हो गए थे, डिस्टर्ब यानी होता है बोलते हैं ना परेशान हो जाना, तहस नहस हो जाना, उसे भंग हो जाना, डिस्टर्ब कहते हैं। व्हेन, जब ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, स्टोरिंग, स्टोर करना यानी कहते हैं संग्रहण करना, इकट्ठा करना, स्टोरिंग कहते हैं। ग्रेन्स यानी होता है अनाज के दानों को, ग्रेन्स कहा जाता है, इन हिज हर्ट, है ना। तो जब उसने झोपड़ी में अनाज को इकट्ठा करना शुरू किया तब उसका उसका जो शांति थी भंग हो गई। द बर्ड्स वुड एंटर द हर्ट एंड कैरी अवे द फूड ग्रेन्स। द बर्ड्स यानी पक्षियां, चिड़िया, वुड एंटर्ड, यहां पर भी वुड यानी आते थे का यूज किया गया है, आते थे द हर्ट यानी घुस जाते थे, एंटर करना यानी होता है प्रवेश करना, घुस जाना, झोपड़ी में आ जाते थे। एंड कैरी अवे, कैरी अवे यानी होता है ले जाना, द फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स यानी अनाज को, उसे फूड ग्रेन्स कहते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, फूड ग्रेन्स कहलाते हैं, और अनाजों को वहां से क्या करते थे, ले जाते थे। What happened next? आगे क्या हुआ, happen यानी होता है होना, happened second form है, आगे क्या हुआ, अकबर asked as usual यानी होता है पहले की तरह, को as usual बोलते हैं, पहले की तरह ही अकबर ने पूछा इसके आगे क्या हुआ। अब देखिए फिर इसको कहानी सुनाना पड़ेगा, लेकिन बीरबल ने क्या दिमाग लगाया, देखिए। The man thought of a plan, है ना, तो आदमी ने thought of a plan यानी एक योजना बनाई। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा कि आदमी ने एक योजना बनाई। वॉट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, आस्क द किंग, राजा ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ। ही गॉट अ बैग फ्रॉम द मार्केट, गॉट यानी मतलब प्राप्त करना, लेना, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। अ बैग फ्रॉम द मार्केट, उसने बाजार से एक बैग लिया। स्टोर द ग्रेन्स, स्टोर यानी उसमें इकट्ठा करना, द ग्रेन्स दानों को इकट्ठा किया। इन इट यानी उसमें, इन यानी में, इट यानी उसमें, है ना, इसमें उसमें, इट का यूज करते हैं पास में, हम उसमें ऐसे बोलते हैं, इट यानी इसमें यूज करते हैं। एंड क्लोज्ड इट टाइटली, क्लोज्ड यानी होता है बंद कर दिया, इट यानी उसे, टाइटली यानी होता है बहुत अच्छे तरीके से, टाइट है ना, टाइट यानी मजबूती से उसे बंद कर दिया। कंटिन्यूड बीरबल, तो बीरबल कंटिन्यूड यानी जारी रखा, उसने फिर बोलना जारी रखा। आफ्टर दैट वॉट नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या हुआ, अकबर आस्क, फिर अकबर ने पूछा, ठीक है भाई, दाने को उसने टाइटली बंद कर दिया, उसके बाद क्या हुआ। When the birds came, जब पक्षियां आई, अब यहाँ came का यूज क्यों किया, आप सभी जान गए, कम का सेकेंड होता है कम, फर्स्ट फॉर्म केम, सेकेंड सॉरी कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो फर्स्ट और थर्ड कम होता है, तो हम यहाँ पे केम पास्ट सिंपल टेंस। जब पक्षियां आई, है ना, दे ट्राइड पीकिंग द बैग, उन्होंने कोशिश की, है ना, पीक करना क्या होता है, बैग को उठाने की, है ना, बट गॉट हर्ट इन द प्रोसेस। और पीक यानी चोंच मारना भी पीक कहते हैं, जैसे चोंच मार के उसको छेद करते हैं उसे पीकिंग कहते हैं। बट गॉट हर्ट इन द प्रोसेस, और उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में हर्ट यानी होता है चोटिल हो जाना, उसे हर्ट कहते हैं, ठीक है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा भाई वो चोटिल हो गया उसे, है ना, कष्ट पहुंचा उन्हें। वॉट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, वॉज द किंग्स रिएक्शन, है ना, राजा का रिएक्शन, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, उसे रिएक्शन कहते हैं। अपोस्ट्रॉफी एस का यूज, किंग्स ये बहुत सारे राजा नहीं, अपोस्ट्रॉफी इन यानी एस यानी होता है का की के, राजा का रिएक्शन था। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, वन ऑफ द बर्ड्स आस्क्ड अ रैट, वन ऑफ द बर्ड्स यानी पक्षियों में से एक ने आस्क्ड अ रैट। अब यहाँ पे आस्क यानी पूछा नहीं हो रहा है, आस्क यानी पूछा भी होता है और आस्क्ड यानी कहना भी होता है, किसी को आप कुछ काम करने के लिए कहते हो तो वहां पर भी आस्क का यूज किया जाता है। तो उसने चूहे से कहा, टू मेक अ होल, एक छेद करने के लिए, मेक यानी होता है बनाना करना, मेक का यूज किया जाता है, एक छेद करने के लिए, इन द बैग यानी थैले में, बाय निबिंग इट, निबिंग यानी होता है कुतरना, उसे कुतर कर, है ना। कंटिन्यूड बीरबल, बीरबल ने फिर जारी रखा कहानी सुनाना। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, उसके बाद क्या हुआ, अकबर सेड, सॉरी आस्क अकबर, अकबर ने पूछा। यहाँ पे आपने देखिए दोनों आस्क का यूज यहाँ पे मिल रहा है,
यहाँ पे आस्क्ड अकबर यानी अकबर ने पूछा, यहाँ पे बर्ड्स आस्क्ड रैट यानी चिड़िया ने चूहे से कहा, तो देखिए दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल गया। सून, सून यानी जल्दी ही, ऑल द बर्ड्स गैदर्ड, सभी पक्षियां गैदर्ड यानी होता है इकट्ठा हो जाना, बोलते हैं ना गेट टूगेदर यानी इकट्ठा होना, उसे गैदर्ड कहते हैं। तो सभी पक्षियां इकट्ठा हुई आउटसाइड यानी बाहर, द हट झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गई। देयर वर 500 ऑफ देम, देयर वर यानी वहां थे, कितने थे 500 ऑफ देम यानी उनमें से 500 चिड़िया थी, कितने थे 500, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा 500 चिड़िया थी। ओ 500, ओ यानी अरे ऐसे, अरे 500 चिड़िया, एक्सक्लेम द किंग एंड आस्क्ड व्हाट ने, एक्सक्लेम यानी होता है एकदम उत्साहित होकर चिल्लाने को एक्सक्लेम कहा जाता है, तो उसने चिल्लाया और पूछा फिर क्या हुआ। वन बर्ड इंटर्ड द हट, एक चिड़िया इंटर्ड यानी प्रवेश की द हट झोपड़ी में, एंड देन और तब, अब देखिए स्टोरी का एंडिंग होना, लास्ट पेज बचा हुआ है, तो एक चिड़िया झोपड़ी के अंदर आई और क्या लिखा, एंड देन और फिर फ्लिव अवे विद ग्रेन इन इट्स बीक, फ्लिव अवे, फ्लिव अवे ना उड़ गई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लिव होता है, फ्लिव अवे उड़ गई, विथ यानी साथ में, ग्रेन यानी उस दाने के साथ, इन इट्स बीक, इट्स यानी उसके या अपने के लिए भी, इट्स का बीक यानी होता है चोंच, चिड़िया के चोंच को बीक कहा जाता है, तो अपने चोंच में अनाज के दाने को लेके वहां से उड़ गई। कंटिन्यूड बीरबल, बीरबल जारी रखा बोलना। सो वॉट नेक्स्ट अकबर सेड, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा फिर क्या हुआ। अब देखिए बीरबल ने जो दिमाग लगाया था यहाँ पे यूज हो रहा है, द सेकेंड बर्ड इंटर्ड द हट एंड फ्लू अवे विद ग्रेन्स इन इट्स बीक, टोल्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, टेल कैसे करना, टोल्ड है ना, तो बीरबल ने कहा दूसरी पक्षी भी आई और अपने चोंच में एक दाने को लेके वो उड़ गई। द थर्ड बर्ड इंटर्ड द हट एंड फ्लू अवे विद ग्रेन्स इट्स बीक, कंटिन्यू बीरबल, इसे बार बार ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, सेम सेंटेंस है, सेम वर्ड है, सेम टेंस है ना। फिर तीसरी पक्षी भी आई, देखिए सब में आपको द का यूज, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ ऐसे यूज करते हैं, द का यूज आपको सबके साथ मिलेगा। तो तीसरी चिड़िया भी आई चोंच में अनाज के दाने को लेके, फिर उड़ गई। द फोर्थ बर्ड कंटिन्यूड बीरबल, फिर चौथा चिड़िया आई, फिर उसने पूछा राजा ने व्हाट नेक्स्ट, फिर उसने शुरू किया, चौथी चिड़िया आई, उसने भी चोंच में दाना लेकर उड़ गई। द किंग गॉट इम्पेशेंट, राजा इम्पेशेंट यानी क्या होता है, अधीर हो जाना, पेशेंट यानी होता है धीर है ना, धैर्य, इम्पेशेंट अधीर हो जाना, तो राजा अधीर हो गए। बीरबल हाउ मेनी बर्ड्स वर स्टिल लेफ्ट, हाउ मेनी बर्ड्स यानी कितने चिड़िया, वर यानी थे, स्टिल यानी अभी तक, लेफ्ट यानी होता है बचे होना, उसे भी लेफ्ट कहा जाता है, लेफ्ट यानी बाया भी होता है, लेफ्ट यानी जगह को छोड़ के जाने को भी लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट यानी बचा होना, कितना बचा हुआ है उसे भी लेफ्ट कहा जाता है। तो राजा परेशान हो गया, उसने पूछा भाई कितने चिड़िया बच गए हैं। देयर आर स्टिल 496 बर्ड्स लेफ्ट, देयर आर, देयर का यूज यहां पे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए यूज करें क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां है ऐसे नहीं, ठीक है, देयर का यहां पे कोई मीनिंग नहीं निकालें, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। स्टिल यानी अभी भी है ना, 496 बर्ड यानी 496 है ना, 96 यानी क्या था 96, 496 चिड़िया बची है, सैड बीरबल, बीरबल ने कहा। बीरबल देन कंटिन्यूड, फिर बीरबल जारी रखा, वेयर वर वी, हम कहाँ थे, यस हाँ, द फिफ्थ बर्ड इंटर्ड द हट, और फिर वही बोलना शुरू कर दिया, पांचवी चिड़िया भी आई, उसने चोंच में लेके चले गया। अब राजा हो गया परेशान, द किंग शाउटेड इन एंगर, राजा ने शाउटेड यानी चिल्लाया, शाउट कैसे शाउटेड है ना, एंगर यानी होता है गुस्से में, राजा ने गुस्से में चिल्लाया, बीरबल When will these birds, कब will, गागी के फ्यूचर टेंस में will का यूज कर, these birds, these का यूज कब करते हैं, this सिंगुलर में this का यूज करते हैं जब कोई एक चीज हमारे पास हो, जैसे कि this is a pencil, अब यही बहुत सारी पेंसिल हमारे पास में हो तो these are pencils, तो this और these में ये अंतर होता है, this के साथ इसका यूज होता है, these के साथ are का यूज होता है ना। तो these birds finish, इन पक्षियों ने finish, will गागी के, ये पक्षी क्या करेंगे, finish करेंगे, पूरा करेंगे, कैरिंग यानी उड़ ले जाना द ग्रेन अवे। तो उसने पूछा कि भाई कब ये पक्षियां ये दानों को ले जाना पूरा करेंगे। अब बीरबल बोल रहा है व्हेन यू विल स्टॉप आस्किंग, जब आप पूछना बंद कर दोगे, व्हाट नेक्स्ट, जब आप व्हाट नेक्स्ट बोलना बंद कर दोगे तब ये चिड़िया भी दाना ले जाना बंद कर देंगे। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म सेड है, ठीक है,
वो सैड नहीं है, SAD सैड यानी होता है उदास हो जाना, है ना, वो सैड नहीं है, ये सैड है। तो बीरबल ने कहा कि जब आप महाराज पूछना बंद कर दोगे ना आगे क्या हुआ, तब समझ जाए स्टोरी खत्म हो जाएगी। अकबर रियलाइज्ड, अकबर को एहसास हुआ ना, रियलाइज्ड एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड स्टॉप्ड और बंद कर दिया द स्टोरी टेलिंग सेशन। स्टोरी टेलिंग सेशन होता है कहानी सुनाने का सत्र, यानी अलग अलग सेशन होता था। पहले तो टीवी भी रहता नहीं था, तो राजा महाराजा क्या कहते हैं, डांस का अलग सेशन रहता था, नाचने वाले अलग से आते थे, कहानी का अलग, चुटकी का अलग, तो पहले अलग अलग सेशन चलते, सत्र कहा जाता है हिंदी में। तो वैसे उन्होंने क्या किया, ये जो कहानी का सेशन था उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि समझ गया था कि भाई बीरबल तो बहुत ही इंटेलिजेंट है ये इस प्रकार की कहानियों को, क्योंकि क्या होता था बार बार पूछता था आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ। तो बीरबल ने दिमाग लगा दिया, बोला भैया एक चिड़िया आया, फिर दो चिड़िया आया, तो अब समझ गया राजा पागल हो गए, आगे क्या हुआ पूछूंगा तो छठवा सातवा सुनाएगा, तो वो खुद पागल हो गए, बोले भैया रहने दो आप स्टोरी सुनाना बंद कर दो। इस प्रकार से बीरबल ने अपने दिमाग का यूज़ करके जो कहानी सुनाने से जो कोर्टियर्स जो दरबारी परेशान थे उसे दूर कर दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। आज मैंने आपको हर एक वर्ड की मीनिंग सही प्रोनंसिएशन के साथ, टेंसेस के साथ और बहुत सारे आपको ग्रामर के साथ यहाँ पे स्टोरी को कंप्लीट सुनाया है। हर एक वर्ड की मीनिंग भी आपको बताया है, जहाँ पे प्रोपोजिशन का यूज़ होता है, पॉजिटिव वर्ब्स आपको यहाँ पे मिला और बहुत सारी चीज़ें, वर्ब्स के सभी फॉर्म हर बार बताता हूँ आपको, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू का यूज़ आपने सीखा। तो यदि आपको स्टोरी से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आप लोग फिर से क्या कीजिए, ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप खुद से कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, फिर इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये थी आज की क्लास, यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपको स्टोरी आज की कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।